माई सेल्फ डॉक्टर के चौधरी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर। माई टीचिंग सब्जेक्ट इज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रिकग्नाइज्ड थ्योरी ऑफ कंटेंट, विषयों के सिद्धांतों की पहचान। देखिए, शिक्षा पूर्ण जीवन के लिए है और संपूर्ण मानव समाज के लिए है, जिसमें देश व काल निरपेक्षता है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा की विषय वस्तु के सिद्धांत सदैव वही रहेंगे, किंतु समाज, देश और काल के अनुसार कुछ सिद्धांत प्रमुख होंगे और अधिक महत्वपूर्ण होंगे, और कुछ सिद्धांत गौण व कम महत्व के होंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जिस काल और देश में मनुष्य के जीवन जीने के जो उद्देश्य होंगे, मानव जीवन के जिस तरीके को प्रमुखता दी जाएगी, विषयों के निर्धारण व विषयों के महत्व के निर्धारण में सिद्धांत प्रमुखता या गौण रूप से लागू होंगे, उसी रूप में विषय वस्तु की पहचान के सिद्धांतों पर चर्चा न्याय संगत होगी। इसमें पहला है कि उद्देश्यों के आधार पर विषय वस्तु की पहचान, कि मानव सभ्यता के जन्म के आदिकाल से मनुष्य का इतिहास विभिन्न कालों से गुजरा है, और तत्कालीन विचारधाराओं के अनुरूप, जीवन दर्शन के अनुरूप जीवन जीने का तरीका तय हुआ और निश्चय हुआ कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षा का ढांचा निश्चित किया जाता रहा है, शिक्षा की विषय वस्तु को उसी के अनुरूप बदला जाता रहा है। जैसे भारत में वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और फिर वर्तमान स्वतंत्रोत्तर काल, विषय वस्तु की पहचान का एक आधार दर्शन के अनुरूप जीवन के उद्देश्य, तदनुरूप शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद मानव जीवन के विभिन्न पक्ष। मानव और समाज दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना मानव का अस्तित्व नहीं। मनुष्य के स्वयं के विकास हेतु व सामाजिक जीवन के माध्यम से समाज के विकास हेतु उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। जीवन की मौलिकता के आधार के बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता, अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकता। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे विविध विषयों की पहचान करनी होगी। सबसे पहले शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषयों की पहचान करनी होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बालक के व्यक्तित्व के विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका शरीर व मस्तिष्क है। व्यक्तित्व के अन्य पक्षों के विकास का आधार शारीरिक मानसिकता पर पड़ता है। दूसरा, भौतिक संसाधनों के अभाव में मनुष्य की शारीरिक स्वास्थ्य में बाधक हो जाते हैं। प्रत्येक बालक को अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए वस्त्र, भोजन और आवास की मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि व विकास से संबंधित सामग्री विषय वस्तु की पहचान के रूप में अस्तित्व में आती है। जैसा कि सर्वविदित है कि समाज मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। समाज की अनेक संस्थाओं में से परिवार सबसे प्राथमिक और अनिवार्य संस्था है। परिवार में ही बालक जन्म लेता है, परिवार ही उसका पालन पोषण करता है और उसकी शिक्षा की दृष्टि से प्रथम पाठशाला होता है। अतः सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के रूप में विषय वस्तु की पहचान करनी होगी। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द रिकग्नाइज द थ्योरी ऑफ कंटेंट, यानी कि विषयों के सिद्धांतों की पहचान। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2 ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी। Hope you will understand. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you. Thank you very much.